पहले राउंड के 22 भी निकाल रही हैं और उसी के साथ ए साइड पर आने की शुरुआत। ये काफी बेहतरीन रिकॉन था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जरूर चुकी है, बट ऑटम को उस इन्फॉर्मेशन पर कहीं ना कहीं प्राइसेस उठाने पड़ेंगे। सही से डैश किया, अपने टीममेट के पास जरूर पहुंचे, लेकिन इसके बाद इनको उस साइड पर रहना पड़ेगा जिसके ऊपर शायद स्पाइक जा सकती है, ऑल्दो वो बात की बात है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही हेफ्टी कमिटमेंट था ऑटम के द्वारा, वेंट डायरेक्टली फॉर शेरिफ, चल ये 800 यही पे उड़ा देते हैं, बट ये एक अच्छा रीड हो सकता है गॉड्स रेन, बट नो रीड हो सकता है गॉड्स रेन, बट नो एक्सकाली एंड दे यू स्पॉट इट। लाइक तीन प्लेयर्स आगे आ रहे थे, एटलीस्ट दो को स्पॉट किया है। अब वेलोसिटी के पास ऑप्शन है कि सीए एक्सप्लोर करे, साइड के अंदर जा चुके हैं, विदोर के साथ दो खिलाड़ी है, ट्रेड जरूर हुए हैं, बट डोमा इंश्योरिंग कि साइड का पूरा कंट्रोल मिल जाए। अब वेलोसिटी के प्लेयर्स प्लांट करेंगे, अब देखते हैं कि 3v4 रीटेक में कैसे गॉड्स रेन कमबैक करते हैं। एक्सकैली के माइंड में कुछ तो अलग है, कुछ तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। आप देखिए वो अभी भी अटैकर साइड स्पॉन पर बैठे हैं कि अगर डिफेंडर्स जाएंगे तो उनके पीछे से किसी ना किसी को पिक करेंगे, शायद उनको भांपा जा चुका है और उसकी बदौलत ऑटम ने एक पिक निकाला लेकिन ज्यादा खुद नहीं टिक पाए जिसके कारण मुश्किलें हो गई। इस समय अगर हम लोग डिफेंडर साइड की बात करें, देखिए दो खिलाड़ी मौजूद है, हाफ डिफ्यूज तक शायद जा सकते हैं लेकिन वो भी नहीं हो पाए जस्ट फाइनल मोमेंट पर पहला राउंड।